फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव और बिरयानी के साथ सर्व की जाने वाली देखी लाल चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनती है और ये सिर्फ पुलाव और बिरयानी के साथ ही नहीं, आप चाहें तो इसे अपनी पसंद के किसी भी तरह के राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और साथ ही में खिचड़ी बना लें, या फिर आप चाहें तो इसे बेसन की रोटी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। तो ये जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसे मैं ग्राइंडर जार में ऐड करती जाऊंगी और साथ ही में जो है ना इसकी क्वांटिटी भी आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने लिए 10 कलियां लहसुन की, इसे इसमें ऐड कर लेंगे। और ये मैंने 8 लाल मिर्च लिए, साबुत लाल मिर्च। ये चटनी जो है ना थोड़ी स्पाइसी रहती है, लेकिन अगर आप कम स्पाइसी पसंद है तो इसमें मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लाल मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही में मैंने ये लिया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और नमक ऐड कर देंगे, नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और अब इसमें मैं 1 टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीब 2 से 3 टीस्पून तक, ज़्यादा नहीं करना, 2 से 3 टीस्पून तक ही ऐड करें, क्योंकि इसमें टमाटर भी डाला है ना तो उसका भी पानी रिलीज होगा। और अब इसे हम पीस लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि बाद में इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है ना उसे भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए, चटनी को मैंने पीस लिया है, आप देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। बस इसी तरह से इसे हमें पीसना है। तो अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बोल में। तो ये चटनी तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, और जो इसका मेन इन्ग्रीडियंट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने दिया है 1/2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने से क्या होगा कि इसका टेस्ट जो है ना डबल हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी लगती है इसके साथ। तो बस ये तैयार है लाल चटनी। आप अपनी पसंद के किसी भी तरह के पुलाव और बिरयानी के साथ इसे सर्व करें। और पुलाव बिरयानी के अलावा इसे आप जो है ना बेसन की रोटी या बेसन के चीले के साथ सर्व करें, उसमें भी ये बहुत टेस्टी लगती है। और जब भी आप इस चटनी को अपने किचन में बनाएं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंजॉय करें मज़ेदार सी तीखी चटपटी चटनी। विश शिबाज किचन। थैंक यू।